नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गुजरात के मुख्यमंत्री कल बोटाद जिले के गड्डा में आएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री गड्डा में करेंगे जल जलानी अगियरस की यात्रा का प्रस्थान। कल मुख्यमंत्री बोटाद जिले के दूरी पर, आज उसके बाद परिषद और सब जगह पे आयोजन का सिलसिला शुरू। तहां मुख्यमंत्री कल सभा को संबोधित करेंगे। वह गोपीनाथ देव मंदिर में आज सभा स्थल और सब जगह का किया पुलिस ने चेक। मुख्यमंत्री के गुजरात आने से प्रशासनिक व्यवस्था काफी कड़ी है। कल मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी करेंगे पालकी यात्रा का प्रस्थान। कल गोपीनाथ देव मंदिर के चेयरमैन ने बताया कि कल कहीं सालों पहले यहां भगवान गोपीनाथ ने यहां स्नान किया था, वहां कल गणेश जी करेंगे स्नान। कल पालकी के साथ कहीं साधु संतों, कहीं भक्तों और गुजरात के सारे नेता व निकलेंगे गुजरात के सबसे बड़ी पालकी यात्रा। अभी मैं गुजरात के गढ़ड़ा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ के गोपीनाथ जी देव मंदिर के पटांगण में यहाँ मैं मौजूद हूँ। कल यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी आएगा और विजय रूपाणी जी यहाँ से पालखी यात्रा दौरान यहाँ से गरवा गणेश जी को लेकर यहाँ की जो नदी है, सामने दिखा दे रही है आपके नदी, जो घेलो नदी है उस पे जाएगा और यहाँ विधि के साथ गणेश जी का विधिवत हो जाएगा और बाद में यहाँ से पालखी यात्रा यहाँ मौजूद होगी। यहाँ जो यह पटांगण है वो है एक गोपीनाथ जी मंदिर का, देव मंदिर का पटांगण है। यहाँ कई सालों के बाद अभी ये पालखी यात्रा होगी। अभिषेक गोंडलिया, प्राइम टीवी 18, गढ़ड़ा। अभी एक गुजरात के गढ़ड़ा गांव है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ गोपीनाथ जी देव मंदिर के कई सारे भावी भक्त मेरे सामने उपलब्ध खड़ा है, तो उसके साथ आपके ये मंदिर की विशेषता के लिए आपके उसके साथ बातचीत करते हैं। क्या है आपका नाम? भावेश विसावदर। आप यहाँ पे कितने देर से आए? हम यहाँ से तो दो तीन घंटे से आए हैं। ठीक है, यहाँ का मंदिर का परिश्रम क्या कह रहा है, परिसर क्या कह रहा है? मंदिर का परिसर ये जो तो धरती है, दादा खाचर की प्रसादी की धरती है। यहाँ पे भगवान 26 साल तक यहाँ पे रहे और यहाँ पे अक्सर ओडी थी, वहाँ पे भगवान रहे और ये मंदिर की एक एक ईंट भगवान ने अपने सर पर रख कर यह मंदिर बनवाया है। और भगवान ने कहा अक्षरधाम तुल्य ये मंदिर है, अक्षरधाम का मध्य है यह मंदिर। और श्रीजी महाराज को कोई नहीं रोक सका था और ये गढ़पुर में जो दादा खाचर उसका परिवार था, उसका प्रेम इतना प्रेम था कि वो भगवान स्वामीनारायण को भी यहाँ पे खींच ले और भगवान स्वामीनारायण का गढ़ड़ा, स्वामी का गढ़ड़ा, ऐसे स्वामीनारायण भगवान का गढ़ड़ा, ऐसे ही ये गाँव का माहितम है। और यहाँ जो खेला तीर्थ है, खेला नदी है, वो गंगा उन्मत्त गंगा कहलाती है। उन्मत्त गंगा में भगवान ने कितनी बार स्नान किया यहाँ से चल के। चौका से गंगा नदी के माध्यम से कह रहा है कि यहाँ पे गंगा नदी के सेम्यता के साथ और गंगा नदी के सेम ही पावन चरणों के लिए यहाँ पे घेलो नदी भी बहती है और ये नदी का मातम अब की जो भारत देश की माता की जाती है वो गंगा के सेम्यता पे है। अभिषेक गोंडलिया, प्राइम 80 न्यूज, गढ़ड़ा। अरुण भाई, क्या थी आओ छो? पावनगर। मंदिर विशेष क्यों? મંદિર તો બહુ જૂનું છે, વર્ષોની આજે લગભગ 300 વર્ષ થઈ ગયા અને બહુ પ્રસિદ્ધ મંદિર છે। સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે બનાવેલું મંદિર છે એટલે બહુ પ્રસાદીનું અને મહત્ત્વનું મંદિર છે સંપ્રદાય માટે। વિશેષ કંઈ કહેવા માંગે? વિશેષ તો અહીંયા જે આવે હરિભક્તો અને સગવડ તો સારી મળે છે અને જમવા કરવાની વ્યવસ્થા છે, એટલે દૂરથી આવ્યો હોય એને કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ ન થાય, રહેવા કરવાની વ્યવસ્થા છે અને ભગવાનની ઉપર આસ્થા હોય, શ્રદ્ધા હોય એટલે ભગવાનના અહીંયા જે લીલા ચરિત્રો છે એનું બધું દર્શન કરે અને પાવન થાય। કેટલા વખત તમે દર્શન થયા? હું તો બહુ નાનપણથી આવું છું અને દર પૂનમે આવતો, પણ હવે તબિયતના હિસાબે પૂનમે ન હોય ગમે ત્યારે આવી જાય। આવતીકાલે જલ દિનની એકાદશી છે,
સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો બાંધેલો આ સમય છે. હજારો હરિભક્તો દેશ દેશાંતરમાંથી અહીંયા બધા ખાસ આ સમયમાં આવવાના છે દર્શન કરવા અને સમયનો લાભ લેવા. એનું બહુ મોટું પુણ્ય છે. ગણપતિ મહારાજ અને ઠાકોરજીની મૂર્તિ પાલખી અહીંથી સીએમ સાહેબ દ્વારા પ્રસ્થાન કરવામાં આવશે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય પધારે છે ખાસ આ પ્રસંગે પાલખી યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવવા માટે, અને સાથે રાજકીય બધા ઘણા બધા મહેમાનો છે, મંત્રીશ્રીઓ છે, સૌરભભાઈ છે વગેરે વગેરે, અમારા મોટા મોટા વડીલ સંતો છે, સંપ્રદાય ભરના વિદ્વાનો. ગુજરાત છે અભિષેક ગોઢલિયા કી ખાસ. દેશ ઓર દુનિયા કી તમામ છોટી બડી ખબરો સે અપડેટ રહેને કે લિયે